मुंबई की गांव देवी पुलिस ने दो महिला और चार पुरुषों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 2 करोड़ के सोने और डायमंड के गहने जब्त किए गए हैं। दरअसल गांव देवी पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली थी कि गांव देवी के पौस इलाके में रहने वाले एक व्यवसायी के घर में एक नौकरानी ने चोरी कर रफू चक्कर हो गई थी। इस जाँच में जब गाँव देवी पुलिस के API सता डेकर ने जाँच शुरू की तो इसमें कई अहम बड़े खुलासे सामने आए। दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस की जांच में पता लगा कि व्यवसायी के घर में नौकरानी के तौर पर काम करने वाली महिला का संबंध एक बार टेंडर से हो गया था। दरअसल बार टेंडर जब उस व्यवसायी के घर में आता इस दौरान वह नौकरानी से लगातार मिलता जुलता था और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। इस प्रेम प्रसंग का फायदा उठाकर बारटेंडर ने नौकरानी को पहले उस घर में चोरी के लिए तैयार किया और इस बार जो है इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया। दरअसल उस बारटेंडर की प्रेरणा के बाद महिला ने पूरे घर की सफाई कर दी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि व्यवसायी के घर से करीब 2.25 करोड़ के सोने गहने की चोरी कर महिला फरार हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जब जाँच शुरू की तो पुलिस को एक के बाद एक कई लिंक मिलते गए, जिसमें सबसे पहला लिंक था उस बार टेंडर का। जानकारी यह मिली कि बार टेंडर और उसकी नौकरानी दोस्त ही नहीं बल्कि उसके साथ और लोग भी शामिल हैं। API सदा देकर अपने टीम के साथ जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो कई और जानकारियां सामने आने लगी। एक के बाद एक जब पूछताछ शुरू हुई तो पता लगा कि बार टेंडर के साथ उसके साथियों ने मिलकर उस पूरे गहने को अपनी मासुका को देने के लिए इस्तेमाल कर लिया। और इस बीच यह भी जानकारी आई कि उसमें से एक आरोपी जो अपनी मासुका को खुश करने के लिए चोरी के गहने पहना दिए। फिलहाल पुलिस ने मासुका सहित उसके दोस्त और चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जानकारी यह भी है कि चोरी के करीब 2 करोड़ के गहने भी जब्त कर लिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिन चार पुरुषों और दो महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है उनके साथ और कितने लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस का ऐसा कहना है कि जब भी आप किसी नौकरानी को अपने घर में रखते हैं तो सबसे पहले पूरी तरह से उसकी जांच परख कर लें, क्योंकि ऐसे तमाम अपराधों को अंजाम देने वाले लोग आपके घर में आते हैं और आपकी नौकरानी को बाला फुसला कर इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं।